तो बेटा कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर आपने इससे पहले गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ी थी, उनमें आपने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो ये जो दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, इन्हें हम एक कैपेसिटर कह सकते हैं। कैपेसिटर क्या है? मेटल की दो प्लेट्स हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं, एक प्लेट ये है और एक ये बिलो वाली प्लेट है। ये दो मेटल की प्लेट्स हैं, ये बेटा पैरेलल भी हो सकती हैं, ये स्फेरिकल भी हो सकती हैं, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकती हैं, लेकिन हम एफएसए में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं। तो ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इन्हें कुछ फासले पे रखा गया है और इनके दरमियान या तो वैक्यूम है या फिर इंसुलेटिंग मीडियम है जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, और ये एक डिवाइस बन जाती है ये दो पैरेलल प्लेट्स की, जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। दिस इज अ कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटर क्या है, इसे हम क्यों यूज करते हैं? बेटा कैपेसिटर को हम डिफाइन करते हैं नॉर्मली, वो पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटर, तो आप कहोगे कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज, चार्ज को स्टोर करने के लिए जो उनकी डिवाइस इस्तेमाल होती है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर। और ये है क्या? दो मेटेलिक प्लेट्स हैं और जिन्हें कुछ खास फासले पे रखा गया है, इनके दरमियान या तो वैक्यूम होगा या इनके दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या इंसुलेटिंग मीडियम जिसे हम कहते हैं वो होगा, तो ये कैपेसिटर बनेगा। अब हमने नेक्स्ट बात करनी है कि ये कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कैसे करता है। पहले तो कैपेसिटर की डेफिनेशन हुई, तो क्या हुई कैपेसिटर? इट इज अ डिवाइस डिवाइस यूज टू स्टोर द चार्ज, किस काम आती है? चार्ज को स्टोर करने के काम आती है। ये है क्या? कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, ये दोनों मेटेलिक प्लेट्स होंगी, कंडक्टर की प्लेट्स होंगी, व्हिच आर स्पेस्ड एट सम डिस्टेंस, उनके दरमियान कुछ फासले पे उन्हें प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फासले पे रखा गया है, और उनके दरमियान या तो वैक्यूम होगा या कोई इंसुलेटिंग मीडियम होगा जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक की बात जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कहेंगे। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर स्टोर कैसे होता है? हाउ दिस चार्ज स्टोर्स ऑन द कैपेसिटर। बेटा होता क्या है कि जब हमारे पास दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, इन्हें बेटा जब मैं किसी भी बैटरी, ये स्विच शो किया गया, ये स्विचेस, यूं ही स्विच एस को बेटा मैं क्लोज करूंगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव से आप ऐसे कर सकते, ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो छोटा जो बार है ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, डीसी बैटरी है, डीसी बैटरी या डीसी सोर्स। ये बेटा यहाँ पर एक स्विच है, यूं ही बेटा इस स्विच को मैं क्लोज करूंगा तो मेटल की वो प्लेट जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगी, दूसरी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो मेटल की वो प्लेट जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो क्या होगा कि इट विल, ये जो बैटरी है इट विल रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी प्लेट विच इज कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव टर्मिनल, इधर से इसे रिमूव करेगी और उस प्लेट के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट कर देगी जिधर जो सी प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, समझो। पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द प्लेट विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को लेगी और ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव टर्मिनल है ये उस प्लेट पे डिपॉजिट कर देगा जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अगर ऐसा है तो इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा है,
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और इधर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मजीद इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाते जाएंगे, इधर मजीद पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, इधर मजीद नेगेटिव चार्ज, जिधर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे उधर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और जिधर जाके इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते जाएंगे उधर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, और जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, अगर हम चल के देखते हैं कि फुली चार्ज की कंडीशन क्या है, जब फुली चार्ज हो जाएगा तो मैं अगर इस स्विच को यहाँ से ओपन कर दूँ तो ये चार्ज इसी तरह इसके ऊपर स्टोर रहेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की। मैंने कहा कि जो ही हमने स्विच को क्लोज किया तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल, वो वाला टर्मिनल जो पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे और उस प्लेट पे चले जाएंगे जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इस तरह जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और बेटा अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करूँ तो ये होगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, चार्जिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जो है कन्वेंशनल करंट उसकी बात करूँ तो कन्वेंशनल करंट इसके ऑपोजिट होगा, वो नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ होगा। ये जो इसने आपकी बुक वाले ने जो डायरेक्शन बताई है ये कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट is due to the flow of positive charges या charge carriers, और electron current due to negative charge carriers। तो ये electrons positive plate, यानी वो plate जो positive terminal के साथ connected है उधर से move करके इस plate पे चले गए थे जो negative terminal के साथ connected है, तो ये electrons flow कर रहे हैं, तो ये क्या है electronic current। आपकी book वाला पूरी book में जो current की direction show करेगा वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है ऑटोमेटिकली इसके ऑपोजिट हो जाएगी। आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी। अब बेटा होता क्या है, लेट्स सपोज इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई डिस्टेंस डी है, यहाँ पे शो भी किया गया है। बेटा जब आपने ये स्विच को क्लोज नहीं किया था, जब स्विच क्लोज नहीं था, ना इस प्लेट पे कोई चार्ज था ना इस प्लेट पे कोई चार्ज था, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो जीरो था। क्या था? इनिशियल पोटेंशियल, v इज नॉट वेलोसिटी, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा v लिख लो या v लिख लो। अब जब आपने इसे क्लोज कर दिया तो अब इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पे जाना शुरू हो गए, ऐसा ऐसा इस पे पॉजिटिव चार्ज आता गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आता गया। अब सवाल ये है कि ये कितना चार्ज आएगा, हाउ मच चार्ज, दोनों प्लेट से एक जितना चार्ज आएगा, एक पे पॉजिटिव होगा एक पे नेगेटिव होगा, लेकिन ये चार्ज की मिकदार कितनी होगी, कितना मैक्सिमम चार्ज इसके ऊपर आ सकता है। बेटा ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है। अब शुरू में इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो इनिशियली, क्योंकि कोई चार्ज नहीं था। फिर आपने स्विच को क्लोज किया, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू हुए, इधर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हुआ, इधर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हुआ, बिल्डअप हुआ, और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और कहां तक जाएगा, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस उतना होगा जितना आपने बैटरी अप्लाई की है, जो उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। क्या है, कब तक चार्ज आता रहेगा, जब तक दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, डीसी सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, जब तक उसके इक्वल ना हो जाए, उस वक्त तक चार्ज इस प्लेट से, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट के ऊपर शिफ्ट होते रहेंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। तो हमें पता चला कि जो आपने मैक्सिमम चार्ज लेना है कि मैक्सिमम कितना चार्ज आया, तो इट विल डिपेंड ऑन the potential difference which you have applied across the plates of the capacitor, आपने plates of the capacitor के across कितना potential difference apply किया था या कितनी बड़ी battery लगाई थी, जितना ये V ज्यादा होगा उतना charge ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैं इस proportionality को खत्म करूँ तो बेटा एक और बात यहाँ पे बड़ी important है, बात ये है
कि बाद का हम सेम बैटरी लगाते हैं दो डिफरेंट कैपेसिटर्स में, लेकिन दोनों कैपेसिटर्स पे जब चार्ज देखते हैं तो उसकी मिकदार भी मुख्तलिफ है। हालांकि हम तो ये कह रहे हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना चार्ज होगा, बेसिकली तो हम ये कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी एग्जैक्ट अमाउंट को डिफाइन नहीं कर सकती, ये सिर्फ हमें ये बताएगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा तो चार्ज तो हम देखेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा तो जो कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। तो चार्ज की एग्जैक्ट अमाउंट कितनी होगी तो उसके लिए बेटा इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना पड़ेगा और यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को मैं सी कहूंगा, दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ, या इसे कैपेसिटी भी कहते हैं, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा मुझे पता चला कि जो चार्ज है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है वहीं साथ कैपेसिटर पे भी डिपेंड करेगा और हर कैपेसिटर की अपनी एक स्पेसिफिक कैपेसिटेंस होगी। तो सी इज द कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर से हम डिफाइन करते हैं, इट इज द एबिलिटी कैपेसिटेंस को, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर डिचार्ज। अब अगर हम एक से ज्यादा कैपेसिटर्स यूज करते हैं जिनकी कैपेसिटेंस एक जितनी है, इट डजंट मीन कि वो सभी एक जितना चार्ज स्टोर करेंगे। अब उनमें अबिलिटी है कि वो एक जितना चार्ज स्टोर कर सके, लेकिन अगेन अभी भी चार्ज जो है वो डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। तो C किसके इक्वल होगा, Q ओवर V के इक्वल, किसके इक्वल होगा, Q ओवर V के। बेटा क्योंकि मैं घर में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ और आपको पता है कि कोशिश करता हूँ कि मैं, मेरा सर जो रूम है वो इसके नजदीक है आपके, जिसे क्या हम कहते हैं। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, कि कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसकी जो एबिलिटी है। इट डजंट मीन कि सेम कैपेसिटेंस के जो कैपेसिटर्स हैं वो हमेशा एक जितना चार्ज स्टोर करेंगे, नहीं, उनमें एबिलिटी तो एक जितना चार्ज स्टोर करने की है, लेकिन अगेन जहां पे वो उनमें एबिलिटी इतनी है तो साथ ही साथ में वो डिपेंड करेगा कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड किया है। इट विल डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस का आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेटा फिर हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज जो किसी एक प्लेट पे आया, दोनों पे एक जितना आना है ना, तो किसी एक प्लेट की मैग्नीट्यूड, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एनी वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द potential difference which you have applied across the plates of the potential difference, और इतना ही potential difference बेटा यहाँ पे भी आएगा इन दोनों plates के दरमियान। तो charge और potential difference की जो ratio है उसे हम capacitance कहते हैं। और बेटा इसका अगर हम unit लिखें, units of C, तो ये आएगा units of charge, क्या होता है coulomb, potential difference क्या है volt, coulomb per volt, जिसे हम farad कहते हैं, farad coulomb per volt। बट बेटा फैराड का जब मैं सिंबल लिखूंगा तो हम कैपिटल एफ लिखेंगे, लेकिन फुल नेम लिखूंगा स्मॉल एफ से स्टार्ट करना। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपने पढ़े होंगे अगर फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो बेटा दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब बेटा ये जो फैराड है ना एक बहुत बड़ा यूनिट है, वन फैराड कैपेसिटर से मुराद है कि जब आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने से 1 कूलम्ब चार्ज अगर कैपेसिटर पे आ जाए देन कैपेसिटेंस विल बी 1 फैराड। व्हाट इज मेंट बाय 1 फैराड, कि बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इफ 1 कूलम्ब चार्ज
स्टोर हो जाए किसी एक प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पे, क्योंकि दोनों पे एक जितना आना है, किसी एक पे 1 कूलम चार्ज आ जाए 1 वोल्ट टेंशन डिफरेंस देने से, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम 1 फैरेड कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 फैरेड। 1 फैरेड एक बहुत बड़ी मिकदार है कैपेसिटेंस की, नॉर्मली हमें नहीं रिक्वायर्ड। हमें नॉर्मली हम कैपेसिटेंस को माइक्रो फैरेड में लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियंस, क्योंकि ज्यादातर वो उन्होंने काम सीखा होता है, तो वो कहते हैं जी आपके पंखे का कैपेसिटर जो है वो खराब हो गया है, तो आप इतने यूएफ का कैपेसिटर ले आए। तो बेटा वो यू नहीं होता, वो जो है माइक्रो होता है, माइक्रो फैरेड, 10^-6 या फिर पीको फैरेड में हम लोग ये लिखते हैं। तो ये वो है जो हम कमर्शियली नॉर्मली यूज करते हैं। बेटा ये था कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? चार्ज स्टोर करने का एक आला है। कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो डिपेंड करेगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया। जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है? Q ओवर V है। यूनिट क्या है? फैरेड, जो कूलम पर वोल्ट के इक्वल है। और 1 फैरेड कब होगा? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने से 1 कूलम चार्ज किसी एक प्लेट पे आ जाए, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी उसे मैं 1 फैरेड। अब बेटा बात है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बेटा, अभी हमने देखा कैपेसिटेंस क्या है। बड़ा बड़ा इजी है, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों किसकी इक्वल था? सी वी के इक्वल। और सी किसकी इक्वल है? क्यू ओवर वी के। क्या है? क्यू ओवर वी। अब अगर मैं यहाँ पे वी की वैल्यू लिख दूं ना बेटा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल आएगी। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फार्मूला पढ़ा है, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, तो सिंपल मैग्नीट्यूड लिखो तो क्या आएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया? फाइनली कितना हो गया था? वी हो गया था, जीरो से शुरू हुआ था, फाइनली कितना हो गया था? वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गई? वी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है फाइनली? और डेल्टा आर means कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है? कितना है भी? d। तो e किसके इक्वल आ गया बेटा? v over d। तो यहां से बेटा मैं v की वैल्यू निकाल लूंगा, तो v किसके इक्वल आ जाएगा? ed के। ये v की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं। अगर ये v की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो c निकल आएगा, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कहूंगा। प्रॉब्लम ये है, I have to write the value of electric field. तो क्या ये दो electric field की value लेने के लिए, तो क्या ये दो opposite charge parallel plates नहीं है? एक पे positive charge है, एक पे negative charge है। और हमने Gauss's law की third application में हमने electric field between two opposite charge parallel plates की बात की थी, और electric field between two oppositely charged parallel plates कितनी थी बेटा? E equals sigma over epsilon naught। बेटा ये इसका लेक्चर भी मौजूद है YouTube पे, आज मैं जब ये वीडियो डालूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा और आप इसे देख भी सकते हैं। पहले भी हमने सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हमें पता है कि सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। इसकी बात भी की है, तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं अपने लेक्चर में। तो बेटा अब मैं E की वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ से, तो E मेरे पास क्या है? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है? Q ओवर A। E क्या आया? Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 में इंसर्ट करता हूँ। बेटा देखते जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसे मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 में इंसर्ट करूं तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस v, जो किसके इक्वल है? ed के। और e क्या है? q ओवर a एप्सिलॉन नॉट इनटू d। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस v।
अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दूं तो कैपेसिटेंस निकल आएगी, और इक्वेशन वन क्या है, क्यू ओवर वी, क्या है, इक्वेशन वन में वी की वैल्यू पुट करूं तो इक्वेशन वन क्या थी बेसिकली, क्यू ओवर वी। अभी हमने वी की वैल्यू लिखी, वी किसके इक्वल आया, क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल आया, क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। अगर ये वी की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो कैपेसिटेंस वैल्यू भी इक्वल टू क्यू, ऊपर वैसे ही है नीचे वी है, तो वी क्या है, क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा ये क्यू क्यू से कैंसिल होगा तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आई, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। लेकिन याद रखें इस वक्त हमने दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं रखा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आया था, एक पे नेगेटिव चार्ज आया था, देयर इज नो मीडियम, देयर इज वैक्यूम, यहां पे वैक्यूम है, देयर इज नो मीडियम, नो डाइइलेक्ट्रिक। बट बेटा अगर डाइइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो इस चीज का आपको पता है कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगी, व्हेन देयर इज एनी मीडियम कोई डाइइलेक्ट्रिक आ जाए, डाइइलेक्ट्रिक मीन कोई इंसुलेटिंग मीडियम हो किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम आ जाए, तो डाइइलेक्ट्रिक आ जाए, दिस इज डाइइलेक्ट्रिक हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, जिसे हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं बेटा। ये होती क्या है, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, हमने बात की कूलम्स लॉ वाले आर्टिकल में, अगर आप चाहें तो उसका लेक्चर भी देख सकते हैं। अब बेटा अगर हमने यहाँ पे ये कैपेसिटेंस आ गई है तो अगेन हम कैपेसिटेंस डाइइलेक्ट्रिक आ गई है, कैपेसिटेंस का अगेन हम लिखेंगे क्या है, क्यू ओवर वी। अब मीडियम आ गया है, पहले मीडियम नहीं था, अब वी ई किसके इक्वल है, वी ओवर डी, पहले हमने लिखा भी, यहां से वी निकालेंगे वो क्या आएगा, ई डी। अब ये E कौन सा आएगा बेटा, मीडियम वाला, जब कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है बेटा, जब दो ऑपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट थी, जब दोनों प्लेट्स के दरमियान डाइइलेक्ट्रिक नहीं था। लेकिन अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक आ जाए, कोई मीडियम आ जाए, तो हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, इस पर भी हम बात कर चुके हैं पहले। अब बेटा अगर ये वाली वैल्यू मैं v की जगह पुट करूं तो अगेन मेरे पास e मीडियम क्या आएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू d, ठीक है। अब सिग्मा की वैल्यू आपके पास है, सिग्मा क्या होता है, क्यू ओवर a, तो क्यू d ओवर a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सिंपली क्या किया, वही कुछ करना जो पहले करना है, जस्ट फर्क क्या आना है कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी उधर डिनोमिनेटर में साथ में एप्सिलॉन आर का फैक्टर भी आ जाता है। अब अगर मैं इसे सी मीडियम निकालना चाहूँ तो सी मीडियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू ओवर वी, वी क्या है, क्यू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब क्यू क्यू से कैंसिल हो जाए तो बेटा सी मीडियम क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। अब आपको पता है बेटा ये वाला जो फैक्टर है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये अभी जो हमने लिखा है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये क्या है, सी वैक्यूम, क्या है, यहाँ पे तो वैक्यूम ही था ना, ये क्या है, सी वैक्यूम। फिर मैं इसे लिख सकता हूँ सी मीडियम
इक्वल्स सी वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। और हमें पता है, हमने पढ़ा पहले ही लेक्चर में कूलम्स लॉ में कि सी एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन फॉर एनी डाइइलेक्ट्रिक। हमने वैक्यूम के लिए वन लिया था, उसके अलावा कोई भी डाइइलेक्ट्रिक हो तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन है। इसका मतलब है अगर ये ग्रेटर देन वन है, एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन वन है, तो इसका मतलब है कि सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम जो होगा ये वाला, दिस विल आल्सो बी ग्रेटर देन वन फॉर एनी डाइइलेक्ट्रिक, फॉर एनी डाइइलेक्ट्रिक सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम जो किसके इक्वल है एप्सिलॉन आर, फॉर एनी डाइइलेक्ट्रिक इट विल बी ग्रेटर देन वन। यहां से मैं लिख सकता हूं सी मीडियम विल बी ग्रेटर देन सी वैक्यूम, सी मीडियम क्या होगा सी वैक्यूम से ज्यादा होगा। इससे क्या मुराद है कि जब आप दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान कोई डाइइलेक्ट्रिक रख दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे उसने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में लिखा है, बेटा ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके ऊपर एक खास चार्ज है, इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हैं ये है। इन्हीं दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो चार्ज कैपेसिटर था, तो दरमियान अगर आप कोई डाइइलेक्ट्रिक ले आए जैसा कि ये देख रहे हैं, या कोई मीडियम ले आए, ये मीडियम आने से आप देख सकते हैं कि ये निडल पे जरा गौर करें, पहले वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया कम हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होती है क्यू ओवर वी, जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो यही हमने थ्योरेटिकली यहाँ पे साबित किया कि व्हेन वी इंसर्ट एनी डाइइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन टू ऑपोजिट ईच अदर पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर गेट्स इंक्रीज्ड, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब हम पढ़ेंगे तो बेटा ये अब है हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसे आप रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, तो हमने ये निकाला कि सी मीडियम किसके इक्वल आया था सी वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन आर, मींस ये था ना हमारे पास ये फार्मूला हमने लिखा था सी मीडियम ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, तो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी सी वैक्यूम होता। बेटा यहाँ से एप्सिलॉन आर या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने निकाला तो क्या आया रेशो आई सी मीडियम टू सी वैक्यूम। तो इससे मुराद है कि एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ मीडियम बिटवीन देम टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन देम। तो एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी कैपेसिटेंस है और नीचे भी कैपेसिटेंस है। बेटा एप्सिलॉन आर की इसके पहले आपने फार्मूले पढ़े हैं, आपको याद होगा एप्सिलॉन आर को हम पढ़ते हैं मींस एफ मीडियम लिखो ना, एफ मीडियम होता है एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर, पढ़ा आपने। अगर ई मीडियम को लिखूं तो दिस विल बी इक्वल टू, बेटा अपनी वीडियो को काइंडली बंद किया करें, सी मीडियम ई मीडियम को लिखूं तो क्या आएगा ई वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर, ठीक है। अगर यहां से मैं एप्सिलॉन आर को लिखूं यहां से, तो यहां से एप्सिलॉन आर आएगा मेरे पास, इस यहां से लिखता हूं ना, तो इसे चले बाद में लिख लेते हैं ताकि ये जो स्पेस है ये हमारे पास बच जाए, इसे हम बाद में लिखते हैं। तो बेटा यहां से एप्सिलॉन आर की वैल्यू लिखो ना, तो यहां से एप्सिलॉन आर क्या आएगा एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। ये दूसरा हमारे पास फार्मूला है ई मीडियम का, तो वो क्या है ई वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर लिखो तो ये क्या आएगा ई वैक्यूम डिवाइडेड बाई ई मीडियम। तो बेटा एप्सिलॉन आर की तीन फार्मूले मेरे पास यहाँ पे आ गए, ई वैक्यूम ओवर ई मीडियम या एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम और या फिर सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। तो हम देख सकते हैं कि जब कैपेसिटर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है,
ये वैक्यूम ओवर मीडियम था फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इधर क्या है मीडियम ओवर वैक्यूम। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है डाई इलेक्ट्रिक के आने से, लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होती है। बेटा ये है आज का हमारा लेक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसे अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी आपको समझ आएगी।